तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में करने वाले हैं स्टिकमैन फ्लीइंग द प्रिजन का पार्ट टू, सॉरी फ्लीइंग द कॉम्प्लेक्स का। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे मेरे को कौन सा गेम प्ले करना चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं, देखते हैं इस बार हम यहाँ कॉम्प्लेक्स से कैसे एस्केप करने वाले हैं। तो पिछली बार तो हमने ये सारे तरीके आजमाए थे तो सिर्फ बूस्ट अप वाला रह गया था, तो इस बार हम सिर्फ बूस्ट अप वाला यूज करके देखते हैं कि बूस्ट अप वाले से क्या होगा, क्योंकि पिछली बार हमने तीनों तरीके जो थे वो आजमा लिए थे। तो हमारे हेनरी स्टिकमैन जो है वो आवाज़ लगा रहे, तो ठीक है हम ऊपर चले गए लड़की ने हमें, तो हम अपना हाथ खोल लेते हैं। और अब हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो हम सीधा सीधा चले जाएं या मतलब लैडर से, अच्छा लैडर से लड़की की मदद कर सकते हैं। तो लड़की ने हमारी मदद की थी तो हम भी उसकी मदद कर देते हैं। तो अब हम दोनों साथ में एस्केप करने वाले हैं। और ये सामने दो गार्ड है जो अपना आपस में बात कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास चार ऑप्शन आते हैं, तो डिस्ट्रैक या टॉल गाय, तो एक बार टॉल गाय चूज करके देखते हैं। मेरे ख्याल से शायद गलत हो गया, हाँ गलत हो चुका है, उनको हम पे शक हो चुका है। तो चलो एक और बार दोबारा रिट्राई करते हैं। और इस बार ये जो सिंक्रोनाइज टेक डाउन था ये वाला ऑप्शन यूज करके देखते हैं इससे क्या होगा। ओके, तो हमने दोनों को बेहोश कर दिया है और अब हम आ चुके हैं वहां से बाहर। तो लड़की कह रही है मैं तुम्हें ऊपर फेंकती हूँ और तुम यूज करो, तो हम इसको ये, भाई साहब क्या ही लड़की है, जूडो जंप में तो इसने कमाल ही कर दिया, हमारा तो चेप ही नहीं भाई। अबे दी फोर्स चुन के लगता है अरे गलती हो गई, क्या ही साउंड थी यार। तो हमने प्रिजन के गेट खोल दिए तो सारे जो चोर थे वो सब भाग लिए और हम दोबारा से फंस चुके हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शन है, या तो मैं चूज कर सकता हूँ ग्रेनेड या स्नाइपर, और लड़की चूज कर सकती है क्रॉसबो या टेजर। तो लड़की को टेजर चूज कराते हैं और खुद ग्रेनेड करते हैं। ओ भाई क्या ही धमाका हुआ है और ये गलत हो गया, साथ में हम भी मर गए। तो इस बार मैं स्नाइपर चूज करता हूँ और लड़की का तो ठीक था, लड़की को टेजर चूज करता हूं। और तीनों गार्ड को हमने मार दिया। और ये लड़की जो है ये दो टोपियां उठा ले उसकी, तो देखते हैं अब हम इस टोपी को या तो टॉस कर सकते हैं या पास पाए। तो हम उन्हीं के साथ चले गए और भाई इस लड़की को इतनी बात करने की क्या जरूरत है, अबे यार उसको डाउट हो गया। तो ये राउंड तो हम हार गए, चलो दोबारा से रीट्राई करके देखते हैं, इस बार टॉस करके देखते हैं। ओके, और ये पुलिस वाले आ गए, अच्छा और आगे और भी चोर बैठे हुए थे और हम यहाँ से निकल गए। भाई सब बाहर तो और ही ज्यादा भगदड़ मची पड़ी है। ओके, लड़की को पकड़ दिया है, अब या तो नी या फेस, तो फेस चूज करके देखते हैं। ओ भाई गाड़ी नहीं उड़ा दी, चलो आगे चलते हैं। और आगे अब हमारे पास तीन ऑप्शन है, या तो वेंट से जाए या ट्रक से या फिर बाइक से। तो मेरे ख्याल से हमें ट्रक से जाना चाहिए, तो चलो ट्रक वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। मेरे को ट्रक से जाना सेफ लग रहा है, तो चलो हमने आगे कर दिया। भाई साहब ड्राइवर ही नहीं पता, और क्या लिखा है फेल हो गए हम, मतलब डिडंट योर मदर टेल दैट
डू नॉट गेट इनसाइड वैन विद स्ट्रेंजर्स. अच्छा गलती हो गई. तो इस बार हम चूज करते हैं बाइक, क्योंकि मेरे को वेंट वाला जगह तो सही लग नहीं रही. ओके तो हम बाइक ले. अबे भाई इस लड़के ने हमें पकड़ लिया और वो हमारी साथी जो थी वो तो भाग गई. वो नहीं, ओ भाई ये क्या सर पे मारने के लिए क्या डंडा से लेके आई है भाई. चलो इसने हमारी मदद कर दी और हमने इसी तरह दोबारा से एस्केप कर लिया. तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ऐसे और पार्ट देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना. मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.